हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बोला था आप लोगों को, मुझे ऐसा लगा अम्मी ने आवाज़ दिया, पर ठीक है अम्मी ने आवाज़ नहीं दिया। पिछले वाले व्लॉग में जो मैंने SMS में बोला था उसका जवाब अगर आप लोग मुझे कौन गैस करता है कौन नहीं करता उसका जवाब मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो मैं आप लोगों को बताया, काफ़ी लोग के कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने सही गैस किया है और बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, पर जिन लोगों ने सही गैस किया उन्होंने बिल्कुल सही गैस किया। मैंने यही बोला था कि मैं अभी चाय पी के बैठी हूँ और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं क्या बताऊँ आपको। और उसके बाद मैंने बोला था कि मैं आपसे थोड़ी देर, ठीक है फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तो ट्रांसलेशन यही था। और माशाल्लाह से गुवाहाटी के भी सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे गुवाहाटी से भी, जिन लोगों ने बिल्कुल ऑब्वियसली बात है वो लोग तो बिल्कुल समझ जाएंगे। और एक ने मुझे कमेंट करके ये भी बोला कि आप पूरा ब्लॉग एक SMS बोल के एक पूरा ब्लॉग शूट करना, लेकिन दिक्कत हो जाएगा फिर, मेरे बाकी के सब्सक्राइबर्स है वो समझेंगे कैसे, इसलिए मैं पूरा तो ब्लॉग SMS में नहीं कर सकती। फ्लावर के बारे में उन्होंने मुझे बोला था कि एक दिन में मुरझा जाता है, लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो कम से कम 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये माशाल्लाह, लेकिन ये अभी भी वैसे खिले खिले हैं, बस साइड के इस साइड से ये हल्का सा मुरझाना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी देखिए दूसरा भी स्टार्ट हो रहा है, कल ही खिल रहा है। तो आज मौसम अभी कुछ गर्मी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा ही लग रहा है, आई होप नॉर्मल ही रहे, ना ज़्यादा गर्मी ना हो। एंड हिबिस्कस ऑलवेज माई फेवरेट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये फ्लावर और ये बहुत सारी चीज़ों में आपकी यूज़ में आता है। आसाम में हिबिस्कस का लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोग कहते हैं वहाँ पे कि अगर आपका कहीं पे जल गया हो तो उसको पीस के आप अगर आप लगा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होता है, और वो जो जलने के बाद फोका हो जाता है ना, कोला जैसा, वो नहीं होता, वो उससे उस चीज़ को उससे बचा लेता है। तो अगर हिबिस्कस आपके घर में, अगर हिबिस्कस का प्लांट है तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने बालों में, फेस पे और जलने पे, हर चीज़ पे यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये, और ख़ास करके बहुत ज़्यादा बालों को सिल्क और शाइन बना देता है। हेलो, और यहाँ पे अम्मी सामान लेके आ गई हैं, यहाँ पे ये ब्रेड वगैरह है, ये क्या है, चिप्स, तो अभी अम्मी सामान लेके आई है और मैं इसको ब्रेड पकौड़ा वगैरह है, अभी लाइट नहीं है, अभी तक आया ही नहीं है, अभी लाइट भी नहीं है, लाइट कटी हुई है, आज बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पे बेसन वगैरह सब चीज़ है, ये देखिए दूध, बेसन, मैं आप लोग से मिलती थोड़ी देर बाद, पानी पी लेती, पानी, लाइट भी आ गई, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए मिक्स करूँगी ज़रा सा, मैं पानी में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पी सकती। और ये मैंने गुवाहाटी से परचेज किया था, वहीं से मैं लेके आई थी अम्मी के लिए, वो हमेशा सामान वहाँ लाते, क्या हुआ? क्या ये क्या है? ओके, आप क्या खा रहे हो? तो अम्मी हमेशा सामान वगैरह लेके आती है, तो उनको इस टाइप का झोला, ये फट भी गया है नीचे से, ये देखिए। तो घी अगर आपको निकालना है तो इसी तरह से इसके ऊपर जो मलाई ये ठीक ऐसा जम जाता है ना, इसको निकाल के स्टोर करते जाइए और बहुत अच्छा घी निकलता है, हम लोग इसी तरह से मलाई को निकाल के स्टोर करते उसके बाद घी घर पे ही निकालते हैं, जैसा कि आपने लिट्टी चोखा वाला वीडियो में देखा होगा। ये है शकरकंद, अभी मैं इसको कट करूँगी और इसको बॉईल करूँगी शुगर के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में, अगर आप लोग को ये पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग किस तरह से इसको गलाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत लोग इसको आग में भून के भी खाते हैं, पहले हम लोग बचपन में खाया करते थे आग में भून के, कितने लोग बिना चीनी के भी खाते हैं, लेकिन मुझे चीनी के साथ ही अच्छा लगता है, चीनी के साथ इसको गला देते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा इसलिए इसको कट कर देंगे, नहीं तो छोटा छोटा भी मिलता है,
और इसका दो तरह का मिलता है, एक वाइट वाला एक रेड वाला। तो रेड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो रेड वाले में टेस्ट होता है वो वाइट वाले में उतना टेस्ट नहीं होता। अच्छे से क्लीन किया करें क्योंकि काफी ज्यादा मिट्टी लगा रहता है इसके अंदर। मैं यहाँ पे इसको कुकर में बॉईल करने वाली हूँ क्योंकि कुकर में जल्दी गल जाएगा, काफी ज्यादा मोटा मोटा है और ज्यादा टाइम मैं कुकर में ही इसको बॉईल करती हूँ, कभी कभी कढ़ाई में भी करती हूँ, तो इसको ऐसे डालना ही। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। काफी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। आप इसको चाकू से ऐसे ऐसे करके देख सकते हो, ये देखो कितने अच्छे से ये गल गया। और गुवाहाटी में हम लोग इसको अलवा भी बोलते हैं। रिदु आप क्या कर रहे हो, हाथ साफ हो रहा है क्या, गंदे हो गए हैं अपने ये दिवाली वाले घेरौंदे पे चढ़ करके, ये ऊपर आकर के यहाँ पे हाथ धो रही है, आपके हाथ तो गंदे हैं, दिखाओ जरा अपने हाथ। ओ ये तो क्लीन हो गए, ओ मैं घर थोड़ा सा मुंह भी धो लो। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, पापा लोग और उनके कुछ फ्रेंड्स सब लोग नीचे बैठे हैं, तो मैं पापा लोग के लिए चाय भिजवा रही हूँ। तो ये मेरा चाय रेडी हो गया यहाँ पे, और ये है कप। तो अभी फिलहाल कोविड का टाइम चल रहा है तो इसलिए हम लोग कप को यूज नहीं करें, हम लोग डिस्पोजल ही यूज करें। और ये है आज की हमारी थाली। क्या कर रहे हैं आप, क्या बोंजाई कुछ पीपल के प्लांट जो छत पर उग गए थे उसको भी कलेक्ट किया है, पर थोड़ा सा सॉइल तैयार कर रहा हूँ और इसके बाद इसको लगाया जाएगा। यहाँ पे मेरा फेवरेट अलवा। अलवा खाइएगा, अलवा हाँ हम लोग इसको गुवाहाटी में अलवा बोलते हैं, बाकी लोग इसको शकरकंद बोलते हैं। अभी यहाँ पे सब्जी वाले आए हैं तो अम्मी सब्जी ले, हम टाल लेंगे, टालिएगा नहीं आप। कितना हुआ, 10 रुपए धनिया पत्ता डाल दो। ये आ गया हमारा सब्जी, ये बाल्टी होने से काफी आसान हो जाता है सब चीज। और अभी आइसक्रीम उसक्रीम खाया जाए, खाना वाना हो चुका है सब और अभी आइसक्रीम खाते देखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आइसक्रीम तो बनता है। ठीक है, फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।